आज जो कोई भी सफल है उसको सक्सेस रातों रात नहीं मिली है। उस सफलता तक पहुंचने में उसकी कई सालों की मेहनत है। आज हम में से बहुत लोग हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका दोष कभी माँ बाप को, कभी सिस्टम को, तो कभी हालात को दे देते हैं। कभी अपने अंदर नहीं देखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं कि सफल नहीं हो पा रहे हैं। सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा, परेशानियों से नहीं भागेगा, वही सफल हो पाएगा। तो आज हम आपको ऐसी कुछ हस्तियों के बारे में बताएंगे जो अपनी असफलता और परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि वो कर दिखाया जो शायद नामुमकिन था करना। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रजनीकांत की। रजनीकांत को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रजनीकांत को अपने घर चलाने के लिए बस कंडक्टर की नौकरी करनी पड़ी थी। माँ की मौत के बाद चार भाई बहनों में सबसे छोटे रजनीकांत को एहसास हुआ कि घर की माली हालत ठीक नहीं है। परिवार को सहारा देने के लिए उन्होंने कूली का काम किया। इसके बाद कन्नड़ के नाटकों में उन्हें छोटे मोटे रोल ऑफर किए गए, लेकिन रजनीकांत ने हिम्मत नहीं हारी और आज उनकी एक्टिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज इनकी नेटवर्थ करीब 430 करोड़ है और साउथ इंडियन इंडस्ट्री में इन्हें भगवान की तरह पूजा जा रहा है। अगले स्टार के बारे में हम बात करेंगे, वो हैं शाहरुख खान। आज शाहरुख खान भले ही बॉलीवुड के बादशाह हों, पर आज से 24 साल पहले ऐसा नहीं था। एक साधारण से परिवार से संबंध रखने वाले शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल हुई, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास जेब में पैसे तक नहीं थे कि वो किराया देकर घर जा सकें। मुंबई में रहने को सर पे छत तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो बॉलीवुड के किंग बन चुके हैं। आज अपने मेहनत की बदौलत शाहरुख खान 5900 करोड़ के मालिक हैं। आज उनके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है। तो यह था शाहरुख खान का सफर, जो एक पाकिस्तान के छोटे शहर से दिल्ली तक पूरा किया और अपने बचपन में ही पिता को खोने के बाद अकेले ही मेहनत करके इस जगह, इस मुकाम पर उन्होंने पहुंचा है। इसके लिए उन्होंने लोगों को दोष नहीं दिया, बल्कि अपना खुद की गलतियों से सीखा और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगला स्टार के बारे में बात करेंगे, वो हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी भी संघर्षों से भरी हुई थी। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से मुंबई आए थे तो उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं थी। कई रातें उन्होंने मरीन ड्राइव के बेंचों पर बिताई थी। कई रात सिर्फ बड़ा पाव खाकर वो रह गए थे। इनकी शुरुआती करियर में ही 12 फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उनकी फिल्म आई जंजीर और वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उसके बाद उनका शुरू हुआ सफलता का सफर, जो आज भी कायम है। आज भी अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं और आज वो लगभग अपनी मेहनत के बल पर 3200 करोड़ के मालिक हैं। तो चलिए अगले स्टार के बारे में हम बात करेंगे, वो हैं अक्षय कुमार। फिल्मी दुनिया के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की जिंदगी भी कम संघर्ष वाली नहीं थी। बैंकॉक में उन्होंने होटल में बर्तन साफ करने से लेकर वेटर तक का काम किया है। यही नहीं, वो सिर्फ भी रह चुके हैं। होटल में नौकरी के दौरान उन्हें सिर्फ 1500 रुपये दिए जाते थे और रात को किचन के फर्श पर सोना पड़ता था। और आज अक्षय कुमार के पास कई लग्जीरियस घर हैं और इनकी नेटवर्थ करीब 2700 करोड़ है। आज वो साल में कम से कम 4 फिल्में निकालते हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं और पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और अगले स्टार के बारे में बात करेंगे, वो है अनिल कपूर। अनिल कपूर 90s के सबसे फेमस एक्टर थे, बॉलीवुड के झक्कास एक्टर। अनिल कपूर दिखने में आज भी किसी नौजवान एक्टर से कम नहीं है। वह चेंबूर से हैं। एक वक्त था जब अनिल कपूर मुंबई में रहने के लिए आए थे, तब उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं थी, इसलिए वो एक्टर राज कपूर के गैराज में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। फिल्म वो 7 दिन में बड़ा ब्रेक मिलने के बाद फिर कभी अनिल कपूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनकी कपूर फैमिली के हर मेंबर्स सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यह सब अनिल कपूर के बदौलत हुआ है। किसी ने सच कहा है कि एक इंसान पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकता है और वह अनिल कपूर ही थे जिन्होंने अपनी पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी है। आज उनकी फैमिली से जाह्नवी कपूर, अर्जुन कपूर जैसे अच्छे अच्छे एक्टर निकले हैं। तो ये थे सफलता के चमकते सितारे, जो अपने मेहनत के दम पर आज सफलता के मुकाम पर पहुंच गए हैं। इन सितारों ने यह प्रूफ कर दिया है कि अगर कोई अपने सपनों को पूरा करने में जी जान से मेहनत करे तो वो सक्सेस भी अचीव कर सकता है, जो कि एक आम आदमी के लिए
नामुमकिन है सोचना। तो इन्होंने आज जो सफलता हासिल किया है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और दूसरों को दोष देने से पहले अपनी खुद की गलतियों से सीखेंगे तो हम जरूर ही सक्सेस होंगे।